शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षक गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। इस जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपना शिक्षक जीवन कभी नहीं छोड़ा। वो एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन भर साधारण जीवन जीकर एक शिक्षक के रूप में समाज में अपनी भूमिका राष्ट्रपति के पद में के रूप में भी, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी उन्होंने निभाई। शिक्षक हमेशा जीवन के नवनिर्माण का काम करते हैं। बाल्यकाल से ही माता पिता पैदा करते हैं, माता पिता हमारे जीवन को संवारते हैं, लेकिन शिक्षक एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। और इसीलिए आज भी हमारे यहाँ शिक्षकों का बहुत बड़ा सम्मान है और हम सब आज के दिन उन शिक्षकों के प्रति हमारे समर्पित भाव को दर्शाते हैं। हमारे देश में शिक्षकों की महान परंपरा रही है। समृद्ध गुरुदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आचार्य चाणक्य, माता सावित्रीबाई फूले, ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन भर अपने आप को शिक्षक की भूमिका में रखा है और जिन्होंने समाज के अंदर नवनिर्माण में, समाज में मार्गदर्शन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उस समय उन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन किया, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन किया और उनके योगदान के कारण ही आज भारत शिक्षित हो पाया है। हम उन सबको भी प्रणाम करते हैं और इसी के साथ मैं आज उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने गुरुजनों को, जिन्होंने भारत में केवल शिक्षा संस्कृति से नहीं हमारी सांस्कृतिक समृद्धि करने का काम किया, हमें केवल एक अच्छा व्यक्ति बनाने का निर्माण किया बल्कि हमें अपने जीवन जीने की हर चुनौतियों को समाधान, हर चुनौतियों को लड़ने का साहस, आत्मविश्वास शिक्षक ने पैदा किया। और आज हमारे उन शिक्षकों को नमन करता हूँ जिनके कारण आज देश समृद्ध हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारा नौजवान आज सामर्थ्यवान है, हमारा नौजवान हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और उन्हीं के योगदान के कारण वो देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। मैं उन सभी शिक्षकों को शत शत प्रणाम करता हूँ।